मोदी के खिलाफ लगाए गए आपत्तिजनक पोस्टर पर दिल्ली पुलिस का तगड़ा एक्शन, 100 लोगों पर दर्ज की FIR, साथ ही 6 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में पोस्टर लगाने पर FIR को लेकर भड़की आप, अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार की तनाशाही चरम पर है। तमाम विवादों के बाद पेश हुआ दिल्ली सरकार का 78,800 करोड़ रुपए का बजट। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने पेश किया बजट, मोहल्ला बस योजना और यमुना की सफाई पर केजरीवाल सरकार का फोकस। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर भारत के 6G टेस्ट बेड प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला, जयराम रमेश बोले, मोदी जी चुप्पी तोड़िए, अडानी की जांच को JPC का गठन करिए। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की रिमांड बढ़ी, 5 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। यूक्रेन पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलकर कई अहम मुद्दों पर की बातचीत। 31 मार्च तक खुले रहेंगे सभी बैंक, सालाना क्लोजिंग के लिए RBI का आदेश, सभी सरकारी ट्रांजैक्शन सेटल करें। वोटर ID और आधार लिंक करने की बड़ी डेडलाइन, अब 31 मार्च 2024 तक निपटा सकेंगे ये सभी काम।